एक और वीडियो में चौरसिया फील्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे पास दो पैकेट और भी आ गए हैं अभी। ये है, ये हमने मंगाया है IMStudent.com। तो इंडियाज हैज फर्स्ट स्टूडेंट डील साइट है, और मुझे ये गूगल से लिंक मिला था IMStudent.com। तो यहाँ से हमने ये सामान बुक किया था, और ये सामान फिलहाल एक हफ्ते के अंदर हैदराबाद से चला था, और अभी मेरे पास आज की डेट में ये पहुँच चुका है। तो इसमें देखते हैं क्या सामान आया हुआ है। और फिलहाल तो मुझे जानकारी है इसमें जो सामान है डिब्बे में, इतना बड़ा डिब्बा दिख रहा है, आपको लग रहा है बहुत बड़ा सामान होगा, लेकिन बहुत ये भी छोटा सा ही आइटम है। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या आइटम है इसमें। तो ये कटर आ गया है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इसको फाड़ना, तो अभी इसको हम कटर के माध्यम से खोल देंगे पैकेट को। किधर से खोलें, आइडिया नहीं आ रहा किधर से खोल दें इसको। नहीं, बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ से इसको खोलना है। यहाँ पे नहीं कटा, बहुत मजबूत है, तो हम कहीं से इसको काट देते, बहुत मजबूत हुआ ये, इसे काट नहीं पा रहा, गत्ता इतना मजबूत है, कहीं सामान न काट दे। तो हमने इसको, दरअसल इसका जो कवर है ऊपर से पॉलिथीन भी रेड कलर की लगी हुई, तो उससे आइडिया नहीं आ रहा है कि ओपन कहां से होना है। और ब्लेड भी शार्प है, तो बहुत सावधानी के साथ इसका यूज करना है, ये बहुत डेंजरस होता है। लीजिए, ये पैकेट जो है जैसे तैसे इसको हमने खोल दिया है। तो एक ये है, और इसके साथ में क्या है, पहले तो कुछ IMStudent.com IMA, वैसे हम पढ़ रहे हैं IM लिखा है, लेकिन IMAStudent.com। और इसमें कुछ रिवार्ड पॉइंट मिला हुआ है, स्कैन हियर टू ज्वाइन इन द IMAStudent.com फैमिली एंड रजिस्टर वारंटी। तो वारंटी के लिए यहाँ पे स्कैन करना है, और कुछ पॉइंट्स और कुछ गिफ्ट मिलने वाले हैं। ये गिफ्ट छपा हुआ है, क्या पता हम ही लकी हों और हमें गिफ्ट मिल जाए। तो इसको देखेंगे बाद में क्या है इसका तरीका और कैसे इसको करना है इसके बाद में। इन्होंने एक बिल दिया हुआ है, ये बिल है, अभी बिल देखते हैं। पहले हम इस सामान को देख लेते हैं। पैकिंग इतनी तगड़ी होती है कि इसको खोलने में ही टाइम लग जाता है। ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्या चीज है। ये GoPro का माइक एडाप्टर है, ऑडियो एडाप्टर है। तो मैंने इसको मंगा लिया है, और मैंने सब जगह चेक किया कि मुझे किस रेट में कहाँ किस साइट से सस्ता मिल रहा है। अमेजोन से महंगा मिल रहा था, लगभग 6,700 रुपए का मिल रहा था, लेकिन मुझे यह IMAStudent.com से ये मुझे मिला है मात्र 5,220 रुपए में मिला है। तो करीब 1,000 रुपए का बेनिफिट हुआ है। तो मतलब कोई चीज परचेज करने से पहले एक बार आप गूगल पे सर्च करें, अमेजोन की बजाय गूगल पे सर्च करें। और गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको जितनी भी साइट पे जहां जहां भी आपको सामान मिल रहा है ना, वो हर किसी का हर साइट पे अलग अलग रेट पे मिलता है। तो आपको जहां बेनिफिट लगता है, और थोड़ा सा ये भी देख लें कि वो मिस फेथफुल है कि नहीं, तो आप वहां से वो सामान ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये मुझे 5,220 रुपए का मिला है, और हालांकि ये इसकी जो जो कीमत है वैसे 4,200-4,300 रुपए है, लेकिन इसमें टैक्स लग करके और डिलीवरी चार्ज लग करके ये हो गया 5,220 रुपए का, जिसकी बिल है। ये है जो आइटम है, ये 4,364 रुपए 40 पैसे का है,
4,364.40, 4,364.4 पैसा। इस पे 18% जो है जीएसटी लगी हुई है, आईजीएसटी समझ रहे होंगे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की 785.6 रुपीज ये इस पे जीएसटी लगी है। ये सामान मिलकर के जीएसटी और प्राइस मिलकर के होता 5,150 और इसमें 70 रुपीज डिलीवरी चार्ज लगा हुआ है। ये सब मिला करके होता है आपका 5,220 रुपए का। जो पैकिंग है इसमें भी ऑलरेडी टेप लगा हुआ है, हमने इसको खोल दिया है। मुझे तो लग रहा था कि बहुत बड़ा आइटम होगा और ये बहुत तो छोटा है एकदम बिल्कुल। अरे छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्यों रिसु इधर आओ, ये देखो इतने बड़े पैकेट से कितना छोटा सा निकला ना। हाँ इतना छोटा सा पैकेट कितना बड़ा था। अरे बाप रे, ये देखो ये इतना बड़ा पैकेट और इतना छोटा आइटम। तो अच्छी बात है कि जो कंपनी है अच्छी तरीके से इसको जो है पैकिंग करके भेजती है और तभी हमारे पास सामान सही मिल पाता है। तो ये जो GoPro का ऑडियो, GoPro लिखा हुआ ऑलरेडी इसमें आप शायद देख पा रहे होंगे, कैमरा जज नहीं कर पा रहा है। अच्छी क्वालिटी का थोड़ा फोन होता तो जज करता है। इसमें दोनों साइड से GoPro लिखा हुआ है और ये टाइप सी केबल है, ये टाइप सी केबल है और टाइप सी ये कैमरे में लगेगा। और यहाँ भी मुझे चार्जिंग का जो दिख रहा है, ये भी जो पोर्ट है टाइप सी का ही पोर्ट दिख रहा है। और दूसरे साइड दो पोर्ट लगे हुए हैं, एक है 3.5 mm का जैक लगेगा जो ऑडियो की पिन लगेगी और दूसरा ये है, ये लगा हुआ है टाइप सी इनपुट लगा हुआ है मीन्स फीमेल साइड का। इसमें लगा करके हम मीन्स इसको जो पावर सप्लाई है इसके थ्रू कैमरे तक पहुंचेगी। तो यहां से ऑडियो की रिकॉर्डिंग होगी और यहां से चाहे तो चार्जिंग भी कर सकते, दोनों काम एक साथ हो सकता है। तो इस मामले में ये बेहतर है। अब इसके अलावा एक और बड़ा पैकेट आया हुआ है, ये भी अमेजॉन से आया है। पहला imstudent.com से था, अब यह अमेजॉन से आया हुआ है। ये पैकेट अभी मैं इसके बारे में डिटेल बात करता हूँ। तो अभी फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, अभी पैक खुला नहीं, आज ही हमारे पास पहुंचा है। तो इसको मैं खोल लेता हूँ। अरे वाह, ओ माय गॉड, ये बिल है इसकी और बिल है 25,500, 25,500 रुपए की बिल है। अब यह है हमारे पास GoPro Hero 7। इस कैमरे की प्लानिंग जो हमारी थी वो एक साल से थी। मैं एक साल से लगातार सोच रहा था कि GoPro, तो फटाफट इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। ये एक साल की वारंटी है इसमें, 1 ईयर की। और इसमें क्या है, 12 मेगापिक्सल का जो कैमरा है, 4K 60fps में रिकॉर्डिंग करता है 1080p 240 में। इसके अलावा इसमें ये 10 मीटर अंदर तक ये वाटरप्रूफ है, 10 मीटर अंदर तक आप इसे कैमरे को ले जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये फुल टच स्क्रीन है, फुल टच मतलब 2 इंच का स्क्रीन है, वो भी टच स्क्रीन है। इसके अलावा इसमें स्लो मोशन रिकॉर्डिंग है, ये जो कि हम SJ कैम में नहीं कर पा रहे थे। अभी तक हमारे पास SJ कैम 6 लीजेंड था और वो लगभग 10,000 रुपए का था एक्शन कैमरा, तो उसमें बहुत सारे फीचर हमें नहीं मिल पा रहे थे। तो मैं मतलब सोच रहा था या सपने में सोच रहा था कि मुझे मैं इसको खरीद पाऊँ, क्या से मैं कभी खरीद पाता। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे पास ये आ चुका है। HDR है, GPS है, इसके अलावा हाइपर स्मूथ मतलब जो इमेज स्टेबलाइजेशन के लिए जो होता है वो सबसे बेहतर क्वालिटी का इसमें है। और इसमें लाइव स्ट्रीमिंग भी है।
तो ये सारे फीचर मुझे धीरे धीरे सीखने पड़ेंगे कि मैं कैसे सेटिंग देखूंगा इसकी सारी चीजें, तो वो सारी चीजें मैं सीख करके देखूंगा इसको यूज कर पाऊंगा। इसमें एक्सेसरीज की बात करूं तो बहुत ज्यादा एक्सेसरीज नहीं है, आप कैमरा है, एक इसका प्रोटेक्टिव केस है, और इसमें एक केबल मिल जाएगी आपको, और दो तीन एडहेसिव मिल जाएगा, बस इससे ज्यादा इसमें आपको नहीं कुछ मिलेगा। तो इसको हम फटाफट खोल लेते हैं। इसके ऊपर टेप लगा है, लेमिनेटेड है ऊपर से ये। और इससे पहले भी हमने एक एक्शन कैमरा मंगाया था, वो था अकासो का, अकासो कंपनी थी, तो मुझे लगा कि वो सस्ता मिल रहा है और ठीक है, लेकिन मंगाने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा, नहीं पसंद आया। मुझे लगा कि 7000 पे कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि 7000 हमारा बेकार चला जाए। तो एक वारंटी कार्ड इसमें मिलता है, इसके अलावा इसमें एक ये छोटा सा टैग मिलता है। ऑलरेडी इस पे अगर हम एमआरपी की बात करें तो जो एमआरपी 30,500 रुपए की एमआरपी दी हुई है, और ये मुझे पड़ा 25,500 का, तो करीब मान के चलिए कि मुझे 5,000 का इस पे मतलब फायदा हो गया। तो ऐसे खुश हो जाना चाहिए बीच बीच में कभी। इसको निकालने के लिए ऑलरेडी एक इसमें टेप लगा हुआ, हाँ यहां से इसकी स्ट्रिप जो है ये खोल देते हैं, ये खुल गया यहां से। तो अभी ये जो केस है, इस केस से फिलहाल ये बाहर आ चुका है, इस केस को हम अलग रख देते हैं। ये कैमरा ऐसे निकल करके इसमें आया, बैक साइड में कुछ इसमें सामान रखे हुए हैं, तो ये हमें मिलता है एक यूजर गाइड, जो ये मोटी सी किताब दिख रही है आपको, ये इंग्लिश में भी लिखा है और चाइनीज में भी लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में भी है और चाइनीज में भी है, दोनों भाषा में आप इसको पढ़ सकते हैं। एक यूजर गाइड हमें मिलती है, और भी भाषा में है, इंग्लिश में है, और कम से कम 10 भाषाओं में है, आप इसको पढ़ सकते हैं यूजर गाइड। ये गोप्रो का स्टिकर मिलता है आपको, कैसे यूज करना है उसका गाइड दिया हुआ है, ये खोलने के लिए इसका पूरा डिटेल। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन को इस डिटेल पर, इस एड्रेस पर आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या सामान है। ये है आपको मिलता है टाइप सी केबल, एक आपको कर्व्ड माउंट मिलता है, आप जिसको हेलमेट पे या कहीं भी आप लगा सकते हैं। GoPro की ये बैटरी मिलती है, और बैटरी का जो आप उस कैमरे में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहां से रिमूव कर लेते हैं, ये कैमरा इसको खोलेंगे तो इसमें से कैमरा निकल जाएगा, ये लॉक के साथ में लगा रहता है, और ये लॉक के साथ बाहर आ गया, और ये कैमरा बाहर आ चुका है। ये अभी इसमें प्रोटेक्टिव केस लगा हुआ है, तो प्रोटेक्टिव केस खोलने के लिए यहां से मुझे उठाना होगा, ठीक है, और फिर ये आगे का जो केस है ये बाहर हो जाता है, मतलब ये प्रोटेक्टिव केस भी तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे फिलहाल, जो प्रोटेक्टिव केस लगा हुआ है। इसमें नीचे देखिए माउंट लगा है, आप इसको हेलमेट में या कहीं भी माउंट कर सकते हैं। ये स्विचेज के लिए अलग अलग जगह यहाँ पे होल वगैरह दिए हुए हैं, तो आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे इस प्रोटेक्टिव केस से। तो ये कैमरा आ गया है बाहर, ये कैमरा ऑलरेडी आ चुका है बाहर इसमें से, और इसमें एक फ्रंट में स्क्रीन दी हुई है जो डिटेल इसमें चलता रहता है, और ऊपर ये पावर की स्विच दी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोड, यहाँ पे मोड आप चेंज कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, ये स्विच को दबाना है, और स्विच को दबा करके आपको स्लाइड कर देना है किनारे की ओर, ऐसे खुलता है ये,
ये खुल गया और यहाँ पे पड़ेगी बैटरी, और बैटरी के साथ साथ में एसडी कार्ड भी इसी के अंदर पड़ता है ये। तो इसमें एसडी कार्ड डालने के लिए एसडी कार्ड हम डालेंगे, और एसडी कार्ड फिलहाल हमारे पास है नहीं, तो फिलहाल हम बैटरी, अभी बैटरी इसमें डाल देते हैं। ये बैटरी, जो इसकी बैटरी है, बैटरी के बारे में हम आपको बात करें तो जो बैटरी है बहुत अच्छी क्वालिटी की बैटरी है, और गोप्रो की बैटरी है, इसमें गोप्रो को लिखा हुआ है ऑलरेडी। और हाँ, इसमें जो डिटेल दिख रहा है मुझे, बहुत छोटा लिखा हुआ है जो हम पढ़ने में नहीं आ रहा है, 1220 mAh की बैटरी है, और 4.40 वोल्ट की बैटरी है। तो फिलहाल इसको हम इसके डालते हैं अंदर इधर। ये बैटरी गई इसके अंदर, और इसको हम कर देते हैं बंद। ये हो गया लॉक। दूसरे साइड में यहाँ पे ये इसका, ये भी यहाँ भी स्विच दिया हुआ है, ये प्रेस करना है, और प्रेस करके इसको साइड में थोड़ा सा स्लाइड करना है। ये तो इस तरह खुलता है ये वाला केस। ये इसमें टाइप सी की केबल, हाँ HDMI केबल लगाने के लिए है। HDMI केबल लगेगी एक साइड में, और एक टाइप सी चार्ज करने के लिए। तो इसको फिलहाल हम बंद कर देते हैं। ये बंद हो गया। यहाँ पे जो स्क्रीन है, स्क्रीन में इसके कुछ लगा हुआ है, एक प्रोटेक्टिव लगा हुआ है जिससे हमें कुछ दिख नहीं पा रहा है। एक्चुअल में क्या है, इसको निकालने के लिए एक छोटा सा ऊपर थोड़ा सा बना रहता है जिसको पकड़ के खींच देते हैं। तो फिलहाल इसमें ऐसे बना नहीं था, तो ये पूरा का पूरा चिपका हुआ था, और इसको निकालने के लिए हमने इसका यूज किया। हल्का सा केवल हमने इसको यहाँ साइड से उठाया और खींच दिया, बाहर आ गया। तो अभी फिलहाल हमने इसमें बैटरी डाल दी है, जरा इसको ऑन करके देखते हैं। इस पर लिख के आता है गोप्रो, जैसे ही ऑन होता है ये गोप्रो लिख के आ गया इसमें। और पीछे साइड में इधर आप इसको फ्रंट कह लीजिए, GoPro 7 लिख के आ गया। तो इसकी पहले, सबसे पहले सेटिंग करनी है। सेटिंग में देखिए, सबसे पहले आता है लैंग्वेज, आप लैंग्वेज सेट कर दें, इंग्लिश हो गया। लीगल स्टेप्स, जो लीगल इसके जो रूल रेगुलेशन है उसमें एग्री और डिसएग्री करना है, तो हमने इसको एग्री कर दिया। अब इसमें कह रहे हैं कि जीपीएस ऑन चाहते हैं या ऑफ चाहते हैं, तो जीपीएस को हम कर देते हैं ऑन। जीपीएस ऑन हो गया। अब कहता है कि गोप्रो ऐप, मतलब कहने का मतलब है कि हमें अपने मोबाइल में गोप्रो का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। आर यू श्योर कनेक्टिंग योर कैमरा टू द गोप्रो ऐप लेट्स यू इजली ट्रांसफर एडिट एंड शेयर योर मीडिया। तो मतलब इसमें जिस मोबाइल से हम यूज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसी मोबाइल में हमें क्या करना है कि GoPro का ऐप जो है इंस्टॉल करना है। तो पहले इसका जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। तो अभी ये एप्लीकेशन जो है GoPro का मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो गया है, और ये रहा एप्लीकेशन। तो ये वाईफाई ऑन कर देगा, और यहाँ पे आ रहा है रिसीता 1, कैमरा फाउंड गोप्रो का आ रहा है। तो यहाँ से कंट्रोल योर गोप्रो, अभी यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँगा तो मेरा मोबाइल और कैमरा आपस में जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ में। तो अभी क्या करना है, हमें कंट्रोल योर गोप्रो कर देना है। अब जो है आपस में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कैमरा और मोबाइल में जो एप्लीकेशन है दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। उसके बाद सब कुछ जो है इस मोबाइल के एप्लीकेशन से कंट्रोल होगा, सेटिंग हो या वीडियो फोटो सब कुछ जो है, ये कैमरा पूरी तरह से हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के कंट्रोल में होगा। देखिए कनेक्ट हो गया, तो अभी ऑलरेडी ये कनेक्ट हो गया है। और ये कनेक्ट होने के बाद
ये कनेक्ट होने के बाद आप देखें यहाँ पे सेटिंग में जा सकते हैं। सेटिंग से यहाँ पे 12 मेगापिक्सल वाइड ये आप यहाँ से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी ये फ़िलहाल मुझे लग रहा है ये फ़ोटो का आ रहा है, तो यहाँ से आप स्लाइड कर सकते हैं, वीडियो पे जा सकते हैं, और यहाँ से ये टाइम लैप्स है, ये है वीडियो रिकॉर्डिंग है, और ये है फोटोग्राफ है, और इसको इधर करेंगे तो ये लाइव का सेटअप है यहाँ पे। तो यहाँ से लाइव की सेटअप कर सकते हैं, आप लाइव सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए आप ऊपर जो है ये स्विच ऑफ का बटन है, इसका वाईफाई दिखा रहा है, जीपीएस लोकेशन दिखा रहा है, बैटरी का दिखा रहा है, और फेसबुक में आप यहाँ पे फेसबुक या जो ऑप्शन है आप जहाँ भी करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे सेटअप में जाएंगे, सेटअप में एस्पेक्ट रेशियो 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो रखा है, तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप, 4:3 का कर सकते हैं, दो ऑप्शन मिलता है 4:3 और 16:9 का। तो यहाँ से दूसरे ऑप्शन में रिजोल्यूशन आप देखिए 4K 2.7K 1080p पर और 720p पर रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो को। फ्रेम पर सेकंड आप देखिए ऑप्शन आ रहा है 24 से लेकर 240 तक का फ्रेम पर सेकंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये फील्ड ऑफ लीनियर का चाहिए कि वाइड चाहिए, सुपर व्यू चाहिए, तो आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो स्टेबलाइजेशन का दिख रहा है, लो लाइट का दिख रहा है, तो आप यहाँ से वीडियो स्टेबलाइजेशन आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, लो लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, शॉर्ट क्लिप ऑफ है अभी, प्रोट्यून है इसको भी आप ऑन कर सकते हैं, और वॉइस कंट्रोल मतलब आप अपनी आवाज़ से इस कैमरे को कंट्रोल कर सकते हैं ऑन करके। वॉइस कंट्रोल लैंग्वेज यहाँ पे दी है, सेलेक्ट करेंगे तो ढेर सारी लैंग्वेज आ जाएगी। इसके अलावा तो ये देखिए इंग्लिश यूएस है, तो हम इसको यूके कर देते हैं क्योंकि यूएस दिख रहा है, यूके हमारे यहाँ चलता है इंडिया में। बीप का जो साइंड साउंड है, हाई मीडियम लो है, म्यूट है, तो आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। एलईडी जो ब्लिंक लाइट कर रही है इसमें कैमरे में, उस एलईडी जो ब्लिंक लाइट है उसको आप कम मीन्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्विक कैप्चर, यही जो क्विक कैप्चर है जब आप इसमें गोप्रो का माइक एडाप्टर लगाते हैं तो इसको आप ऑफ करना पड़ता है, अगर ऑन कर देंगे तो ये आपका जो है जो माइक है एक्सटर्नल माइक ये काम नहीं करेगा, तो इसको बंद कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट मोड में आप देखिए वीडियो, ये वीडियो है, लूपिंग है, फोटो है, नाइट है, बर्स्ट है, टाइम लैप्स वीडियो, टाइम लैप्स है, नाइट लैप्स है, टाइम वार्प वीडियो, ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। इसके अलावा आप ऑटो ऑफ आप सेट कर सकते हैं यहाँ, हालांकि 15 मिनट सेट है तो यहाँ सेटिंग कर सकते हैं। स्क्रीन सेवर आप लगा सकते हैं 1 मिनट के लिए जो भी है। ऑटो लॉक ऑफ है तो आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं। एलसीडी की ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप कैमरे की जो एलसीडी लाइट है उसको हमने अभी कम कर रखा 10% पे। लैंडस्केप लॉक पे अभी ऑफ है तो यहाँ से ऑन किया जा सकता है। जीपीएस ऑन है, इसको ऑफ कर सकते हैं। लैंग्वेज आप देख रहे हैं कि इंग्लिश में है तो आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। वीडियो फॉर्मेट NTSC और दो मोड मिलते हैं, PAL और NTSC, तो दोनों ऑप्शन आपको अवेलेबल है। वीडियो कंप्रेशन कंपैटिबल है और HEVC भी आप कर सकते हैं यहाँ से। सेट डेट टाइम डिलीट कर सकते हैं, लास्ट फाइल डिलीट ऑल फाइल फ्रॉम एसडी कार्ड। कैमरे की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है, नीचे दी हुई है, ये HD7010190000। लोकेट कैमरा, अगर आप इसको स्विच करते हैं तो ये देखिए आपका जो कैमरा है ये बीप करने लगता है, बीप की आवाज़ कर रहा है ये देखिए, और उसमें रेड लाइट जल रही है। कनेक्शन में स्मार्ट रिमोट आप जोड़ सकते हैं, अगर स्मार्ट रिमोट है, फिलहाल अभी स्मार्ट रिमोट है नहीं। वॉइस रिमोट आप मिस अपना खुद अपने वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लूटूथ डिवाइस आप देखिए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है तो ब्लूटूथ कनेक्शन भी आप सेटअप कर सकते हैं इसमें। कैमरा स्टेटस दिखा रहा है, बैटरी लेवल 83% एसडी कार्ड कैपेसिटी दिखा रहा है, यह है वीडियो ऑन कार्ड 7, वीडियो टाइम रिमेनिंग 1 आवर 09 9 मिनट,
फोटोज ऑन कार्ड जीरो और फोटो रिंग, फोटोज रिमेन 2630 फोटोज आप इसमें खींच सकते हैं। तो ये सारा सेटअप हो गया, तो आप ये सारा सेटअप आप देख सकते हैं। यहाँ जाएंगे तो यहाँ से सारे आपको रिकॉर्डेड जो वीडियोज़ हैं आपको ये मिल जाएंगे। आप यहाँ से सेलेक्ट करके इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और एक और ऑप्शन ये आपको मिलता है। तो यहाँ से आपको डाउनलोड मीडिया, मतलब मीडिया को डाउनलोड भी किया जा सकता है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप वीडियो को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन मिलते हैं, और बहुत सीखने के बाद ये सारी चीज़ें मुझे खोजने पे मिली हैं। बहुत रिसर्च करना पड़ा है और देखना पड़ा, क्योंकि जब नई चीज़ मिलती है तो हमें पहले उसको सीखना पड़ता है। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जल्द से जल्द हमारे कमेंट सेक्शन के बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आपने मेरी वीडियो कभी तक लाइक नहीं किया, अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए। और अगर आपने मेरी वीडियो कभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ जो घंटे वाली बटन है उसको दबा दीजिए। अब जो है वीडियो को क्लोज करने का समय आ गया है, वीडियो को बंद करते यहीं पे अंत करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुभ दिन हो। हेलमेट आप जरूर पहने, ऑलवेज वियर हेलमेट। थैंक यू, जय हिंद।